संगीत के क्षेत्रों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, संगीत रचना और उत्पादन, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, सॉफ्टवेयर जैसे एबल्टन लाइव, लॉजिक प्रो, FL स्टूडियो और प्रो टूल्स का उपयोग संगीत रचना, रिकॉर्डिंग और उत्पादन के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर सिंथेसाइजर और सैम्पलिंग टूल्स का उपयोग विभिन्न ध्वनियों और प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 2. म्यूजिक नोटेशन और स्कोरिंग। नोटेशन सॉफ्टवेयर फाइनल, साइबेलियस और म्यूजिक स्कोर का उपयोग संगीत स्कोर लिखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। ऑटोमैटिक नोटेशन, मिडी कीबोर्ड और अन्य इनपुट डिवाइस का उपयोग करके ऑटोमैटिक नोटेशन जेनरेट किया जा सकता है। 3. ऑडियो संपादन और मास्टरिंग। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अडोबी ऑडिशन और वेव लैब का उपयोग ऑडियो ट्रैक्स को संपादित करने, मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए किया जाता है। इफेक्ट्स और प्लगइन्स। VST वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी प्लगइन्स का उपयोग ध्वनि सुधारने और विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए किया जाता है। 4. संगीत वितरण और स्ट्रीमिंग। म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Spotify, Apple Music और SoundCloud जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग संगीत को वितरित करने और श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन स्टोर और प्लेटफॉर्म्स जैसे Bandcamp, CD Baby का उपयोग डिजिटल म्यूजिक की बिक्री और वितरण के लिए किया जाता है। लाइव प्रदर्शन और DJing लाइव परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर Ableton Live और मेन स्टेज जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग लाइव प्रदर्शन और शो के लिए किया जाता है। DJ सॉफ्टवेयर Serato और वर्चुअल DJ का उपयोग DJ सेट्स बनाने और मिक्सिंग के लिए किया जाता है। 6. संगीत विश्लेषण और अनुसंधान ऑडियो विश्लेषण टूल्स सोनिक विजुअलाइजर और प्रात जैसे टूल्स का उपयोग संगीत का विश्लेषण करने और ध्वनि के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। म्यूजिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल संगीत डेटा का विश्लेषण और पुनः प्राप्त करने के लिए म्यूजिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। 7. इंटरएक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक संगीत म्यूजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैक्स MSP प्योर डेटा और सुपर कोलाइडर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग इंटरएक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक संगीत बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स मिडी कंट्रोलर्स इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स और अन्य डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग विभिन्न ध्वनियों और प्रदर्शन के लिए किया जाता है। शिक्षा और प्रशिक्षण ऑनलाइन म्यूजिक लर्निंग प्लेटफॉर्म Coursera, Udemy और Masterclass जैसी प्लेटफॉर्म्स का उपयोग संगीत शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। प्रैक्टिस एप्स संगीत सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए Musician और Simply Piano जैसे ऐप्स का उपयोग किया जाता है। 9. संवर्धित वास्तविकता AR और आभासी वास्तविकता VR VR कॉन्सर्ट्स आभासी वास्तविकता तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल कॉन्सर्ट और संगीत प्रदर्शन किए जाते हैं। AR म्यूजिक एप्स संवर्धित वास्तविकता का उपयोग करके इंटरएक्टिव म्यूजिक एप्स और गेम्स बनाए जाते हैं। कंप्यूटर तकनीक का संगीत उद्योग पर प्रभाव सुलभता और पहुंच कंप्यूटर तकनीक ने संगीत उत्पादन को अधिक सुलभ बना दिया है जिससे कोई भी व्यक्ति घर से ही उच्च गुणवत्ता वाला संगीत बना सकता है। रचनात्मकता और प्रयोग डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से संगीतकार नए ध्वनियों और शैलियों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। वैश्विक वितरण इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संगीत को वैश्विक दर्शकों तक तुरंत पहुंचाया जा सकता है। शिक्षा और सहयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम ट्यूटोरियल्स और सहयोगी प्लेटफॉर्म्स ने संगीत शिक्षा और सहयोग को बढ़ावा दिया है। इन सभी अनुप्रयोगों के माध्यम से कंप्यूटर तकनीक ने संगीत की रचना उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से बदल दिया है जिससे संगीत उद्योग में नए अवसर और नवाचार की संभावना बढ़ी है।